कांकेर लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग के प्रथम नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न समाज के सामाजिक संगठन के लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। बता दें कि बाइक रैली के साथ अंतागढ़ के शीतला माता मंदिर में नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग पहुंचे, जहां सांसद ने पूजा अर्चना के बाद गायत्री हनुमान मंदिर में भी मत्था टेक आशीर्वाद लिया। वहीं व्यापारी संघ के द्वारा नवनिर्वाचित सांसद को लड्डू से तोला गया। क्षेत्रवासियों को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी जनता जनार्दन को और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने काफी मेहनत किया, काफी पसीना बहाया और मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं सबको साष्टांग प्रणाम करता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान सबके लिए, और हमारे विष्णुदेव साय की जो जन कल्याणकारी योजना है, ये योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, हर गांव में हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विकास की योजना है पहुंचे, ऐसी हम प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद इस तेजी के साथ अंतर क्षेत्र में बहुत सारे जो विकास के काम हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उसके बाद विकास का काम हुआ। आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं इस बात को कहना चाहूँगा, यहाँ पर आज हमारे सांसद जी भी हैं, उस समय विधायक होने के नाते इस क्षेत्र में जनता की भावना के अनुसार इस क्षेत्र विकास के काम में कोई कमी होने नहीं देंगे, और बहुत सारे जो जन कल्याणकारी कार्य जो होने हैं आने वाले समय में, चाहे हमारे घोषणा पत्र में साफ रूप में ना हो, इन कामों को भी हम प्राथमिकता के आधार में प्रदान करने के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के साथ ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी, और निश्चित रूप से हम मिलकर